नमस्कार फ्रेंड्स, संडे कुक शो में आपका स्वागत है। इनोवेटिव रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। आज मैं आप लोगों को कच्चे केले और मखाने की सब्जी बताने जा रही हूं और साथ में उसके छिलके की चटनी बताने जा रही हूं। और जो जो इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत पड़ेंगे वो ये हैं। कच्चे केले हमें चाहिए 500 ग्राम, ग्रीन चिली 10 ग्राम, लेमन जूस 15 ml, कोरिएंडर लीव्स 20 ग्राम्स, घी 25 ग्राम्स, ब्लैक पेपर पाउडर 2 ग्राम्स, सेंधा नमक 15 ग्राम्स, कर्ड 80 ग्राम्स, क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, करी लीव्स 1 स्प्रिग, जिंजर 5 ग्राम्स, टोमेटो प्यूरी 150 ग्राम्स, मखाना 5 ग्राम्स, काजू पेस्ट 50 ग्राम्स, वाटर अपने ज़रूरत के अनुसार। सबसे पहले बनानों को वॉश कर लेंगे, उसके बाद पील करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि कच्चे केले हमारे सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें विटामिन B6 सी ऊर्जा मिलते हैं, यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और जिससे कच्चे केले के में फाइबर होती है, जिससे हेल्दी स्टार्च मौजूद होते हैं, जो हमारी आंत को साफ़ करने में मदद करता है। अब बनाने के पीसेस कट कर लेंगे, उसके बाद उनके छिलके को पीसेस को कट कर लेंगे, जिनकी हमें चटनी बनानी है। और छिलकों को एक अलग ही बर्तन में रखेंगे और उसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि वो काला ना पड़े, और एक साइड रख देंगे उसे। अब धनिया को अच्छे से वॉश करके बारीक कट कर लेंगे। जो मोटी डंडियां हैं उसे हम चटनी में यूज़ करेंगे और बाकी पत्तियों को हम सब्जी के लिए अलग रख लेंगे। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि रोज़ाना कच्चे केले के सेवन करने से हमारी पाचन क्रिया बहुत ही सही रहती है। अब धनिया को दो हिस्से में रख लेंगे, जो मोटी डंडियों का अभी बताया मैंने, उसे चटनी के लिए यूज़ करेंगे। और बाकी ग्रीन चिलीज कट कर लेंगे, 2 ग्रीन चिलीज हाफ हाफ कर लेंगे, आधी चटनी के लिए आधी सब्जी के लिए। अब कुकिंग की तैयारी करते हैं। कढ़ाई रखेंगे, उसमें घी डालेंगे 1 टेबलस्पून। अब उसमें मखाने को फ्राई करेंगे धीमी आंच पर 1 मिनट के करीब करेंगे इसे, उसके बाद निकाल लेंगे। अब दोबारा से घी डालेंगे उसमें, घी जब मेल्ट हो जाएगी फिर उसमें हम अपने क्यूमिन सीड्स को डालेंगे, करी लीव्स डालेंगे, अब बनाने ऐड करेंगे पीसेस जो कट करे थे हमने, और उसे हल्की आंच पे 3 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। उसे हल्का ढक देंगे ताकि हल्के से पक जाए अच्छे से। अब उसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ जिंजर ऐड करेंगे, पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे,
और कुछ मिनट के लिए ढक देंगे उसे, ताकि मसाले अच्छे से उसमें मिल जाए। अब उसमें सेंधा नमक डालेंगे, क्योंकि ये हमारी व्रत की सब्जी बन रही है। अब काजू पेस्ट डालेंगे। अब उसमें पानी अपने अनुसार ऐड करेंगे। और अच्छे से मिक्स करके अब उसमें हम ढक्कन लगा देंगे। फिर अब चेक करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। उसके बाद ग्रीन चिलीज बारीक कटा जो हमने रखा था अलग से, वो ऐड करेंगे। एंड मखाने को डालेंगे फ्राइड जो हमने कर रखे थे अलग से। ढक्कन लगाकर हल्की आंच पर पकने देंगे। फिर चेक करेंगे थिकनेस इसकी सब्जी की कैसी है हमारी। अब ये तैयार हो चुकी है। अब कोरिएंडर लीव्स से डालेंगे इसमें। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को स्लो कर देंगे, सॉरी बंद कर देंगे। अब सर्व करने के लिए बाउल में निकालेंगे। एंड गार्निशिंग कर लेंगे हरी मिर्च एंड कोरिएंडर लीव्स से। आप जिस तरह भी सजाना चाहो, गार्निश करना चाहो। अब दूसरी ओर हम चटनी की तैयारी करेंगे। उसे बॉईल करने के लिए रखेंगे। पानी उसमें सेंधा नमक ऐड करेंगे। अब बॉईल हो चुका है कि नहीं उसे चेक करेंगे हम। उसे चेक करने के लिए चम्मच में हाथों से दबाकर प्रेस करके देखेंगे कि अगर वो दब जाता है बिल्कुल ही नॉर्मल, तो हाँ अब ये बिल्कुल ही तैयार है। अब स्ट्रेन कर लेंगे। अब पानी अच्छे से निकल गई है। अब मिक्सर जार में उसे डालेंगे चटनी बनाने के लिए। अब उसमें चॉप कोरिएंडर लीव्स डालेंगे एंड ग्रीन चिलीज और सेंधा नमक ऐड करेंगे। दही डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे और अब मिक्सी जार में बंद कर अच्छे से उसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारी चटनी बन चुकी है। अगर आपको ठीक लगे तो आप पानी भी अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं चटनी में। और हमारी चटनी तैयार है, रेडी टू सर्व।